सच क्या है और मैं हूं इफ्रार हुसैन और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं कामरान फैसल जो कि पीटीआई के ओहदेदार हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि ये पीटीआई के तरफ से जो है वो अपने इलाके के उशर ज़कात कमेटी के जो है वो चेयरमैन भी हैं। तो वेलकम करते हैं सर कामरान साहब आपको अपने प्रोग्राम में, और बताइएगा कि पीटीआई की जो इस वक्त कारकर्दगी नजर आ रही है, क्या आप इससे मुतमिन हैं और क्या कहेंगे, जैसे कि आपके पास उशर ज़कात कमेटी के आप चेयरमैन हैं, आपका आपके पास ओहदा है उशर ज़कात कमेटी का, तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे कि मुस्तहिकीन तक जो है वो ज़कात जा रही है? आपका जो मैं सबसे पहले तो जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, और देखने वाले नाज़रीन और आपको मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो सवाल आपका बहुत जो है इंटरेस्टिंग भी है, बहुत अच्छा सवाल था आपने जो पहले इस बार जो बहुत अच्छा किया कि जो मुस्तहिकीन जो हैं वो क्या ये उशर ज़कात कमेटी की तरफ से जो इनको ज़कात जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। सही, मैं क्योंकि अपने इलाके की बात करूँगा जहाँ पे मैं सोचता हूँ, तो हमारे तो जितने भी हमारे पास जो है वो मुस्तहिकीन आते हैं और अप्लीकेशन हम उनके देते हैं, सिस्टम अब थोड़ा चेंज है। अब तो ये चीज़ है ही नहीं कि आपको जो है वो अगर आप मुस्तहिक हैं तो आपको चीज़ ना मिले, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है। अब तो जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करने के बाद जो जितना हमारे उन्होंने लिमिट रखी है बंदों की, तो वो उन लोगों को जो बाकायदा उनके जो है वो उनके नंबर हम दे देते हैं, जैज गैस या वो उसे वो बैंक से वो निकलवा लेते हैं, तो वो डायरेक्टली अब जो मुस्तहिकीन के पास ही आ रही है, जो जो भी है उनका जो गैस वाक हो गया है, दूसरे तीसरे मामलात हैं, तो उनके जो है वो मिल रही है बिल्कुल। अच्छा बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि जो मुस्तहिकीन हैं उन तक जो है वो 110% जो है वो आपकी ज़कात पहुँचती है, तो इसमें मतलब जो है वो आप उनको अमाउंट देते हैं, जैसे जहेज़ की बात करते हैं तो जहेज़ का जो है वो सामान परचेज करवाते हैं या उनको उसकी भी पेमेंट जो है वो दे देते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है? ऐसा है कि जितना भी है हर चीज़ का उनको प्रोसेस होता है जी बिल्कुल, तो वो बाकायदा एक मकान नामा देते हैं जैसे वहाँ की आपने बात की है उसके लिए, फिर वो जो है वो उसकी बाकायदा जो है वो हमें एप्लीकेशन देते हैं, फिर आगे हम जो है ना ऑफिस में फॉरवर्ड करते हैं, वो ऑफिस वाले उसको फिर अप्रूव करके जैसे वो आता है तो वो बाकायदा उनको मिलता है, फिर इन चीज़ों की वेरीफिकेशन होती है। आपको टीमें बनी हुई है ना, तो वो टीम्स आती हैं बाकायदा और लोगों से मुस्तहिकीन से खुद मिलती हैं, मिलने के बाद उनसे वो वेरीफिकेशन भी करती हैं ये चीज़ की आपकी जो, हालांकि जैज़ कैश जो है वो उनको डायरेक्ट पेमेंट जो उनकी अकाउंट्स में भी मतलब उनके डायरेक्ट भी पहुँच जाती है, अब तो चेयरमैन के हाथ में नहीं होता कुछ भी, पहले चेयरमैन ये करते थे, लेकिन अब जो है डायरेक्ट हर चीज़ जो है वो मुस्तहिकीन को पहुँच रही है, वो बकायदा टीमें आगे उसका ऑर्डर करती हैं और उनसे वेरीफिकेशन करती हैं कि ये आया कि ये मुस्तहिकीन है कि नहीं है, या है तो फिर इनको चीज़ें मिली हैं कि नहीं मिली। जी जी जी, तो कम भाई आप 9/11 की जो है वो पीटीआई के ओहदेदार भी हैं अपने एरिया से, ठीक है, तो इसलिए मैं मुनासिब समझूंगा आपसे ये सवाल करना, अगर इस वक्त हम पीटीआई की कारकर्दगी की बात करते हैं तो कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे, और अपोजिशन जो है वो इस वक्त कह रही है कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुकी है, और अगर दूसरी जानिब से इसे देखा भी जाए तो गुर्बत जो है वो बजाय खत्म होने के बढ़ भी रही है, जो इनका विजन था कि गुर्बत को खत्म करेंगे लेकिन वो बजाय खत्म होने के बढ़ रही है, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे? ब्रा कोई भी बंदा जो है ना वो 100% नहीं जी, कोई ना कोई खूबी कोई ना कोई खामी हर बंदे में, खूबियां और खामियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि बंदा मदद के साथ सिंसियर है। जी जी, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो इमरान खान के मुतल्लिक तो ये बात तो आप जो है वो तमाम अपोजिशन भी मानती है या जी तमाम आवाम भी मानती है कि बंदा वो बहुत सिंसियर है, मुल्क के साथ भी काम करना चाह रहा है, करता भी है जी। हाँ, टीम के लिहाज से आप कह सकते हैं भी कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग जो है वो ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन उनको भी दुरुस्ती के लिए अब जो है वो आप देखें पिछले दिनों फरदोस आशिक वहाँ और इमरान खान खुद जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं, उन्हें थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मसाइल आ रहे थे, अब वो मसाइल के हल के लिए हैं। बाकी जो तरक्की जो है वो सारी बात है, ये जब से गवर्नमेंट बनी है कोई ना कोई किसी ना किसी मसाइल में नो डाउट के ये फंसी रही है, लेकिन उसके उसके बावजूद जो है इमरान खान ने जो है उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी है,
मुल्क जो है वो एक हमारा जो सबसे ज़्यादा मीडिया को मैं कहता हूँ किरदार अदा करना चाहिए कि लोग ज़्यादा चीज़ें जो है वो नेगेटिव दिखा रहे हैं, पॉजिटिविटी जो है ना वो दिखाते नहीं है। मतलब इस गवर्नमेंट ये नहीं भी नाकाम को नाकाम कैसे आप कह सकते हैं, यानी बहुत से अच्छे काम भी होंगे। मोहम्मद डैम लगा रहे हैं, पिछले जो मैं रीड कर रहा था कि जो 73,000 गार्ड स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, जिधर हमारा एनवायरमेंटल के हिसाब से पौधे देखने मुल्क में कितने लग रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत से महकमे जहाँ पे तरक्की हुई हैं जो हो रही हैं बाकायदा जो है, ठीक है। ये नहीं कह सकते, हाँ गुर्बत का आप कह सकते हैं, गुर्बत में थोड़ा सा इनको मसाया, लेकिन आप उसकी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ बाकी जो नौकरियों की उन्होंने बात की थी, देखें हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है, ठीक है। अगर जॉब्स इन्होंने नहीं दी तो इन्होंने जो मतलब ये कि दी हैं, आप देखें पिछले दिन बारियों की भर्ती नहीं है, दूसरे तीसरे मामला कुछ कैंसिल आई हैं, और जो जितनी गवर्नमेंट भर्ती कर सकती थी वो कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन जो प्रोग्राम खास तौर पे जो शुरू किया है ना एंटरप्रेन्योर के हिसाब हवाले से, कि जितने भी जो इन्होंने अब प्रोग्राम देखें यंग जनरेशन को जो है वो बिजनेस की तरफ ला रहे हैं जी। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी बने या आप मुलाजम ही बने, आप अपना भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब जो ये कर्जे दे रहे हैं 10 लाख 20 लाख 5 लाख जितने भी, ये क्या कर रहे हैं कि लोग खुद कफील हों, खुद मुलाजम रखें। जितने एंटरप्रेन्योर होंगे, जितना कारोबारी लोग होंगे, वो जो है वो ज़्यादा फायदा दे सकें। खुद नौकरी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने कोई ना कोई उसका अल्टरनेटिव निकाला है। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि अगर वो नौकरी नहीं दे रही तो वो दूसरी साइड पे जो है नौजवानों को बिजनेस करवाना चाह रही है, ऐसे कह रहे हैं? यानी उन्होंने जो है वो अगर ज्यादा नौकरियाँ नहीं ना दे पाए, मतलब अब जो मैंने आपको बताया दे भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट के जो है वो खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ है, ठीक है। आपको पता है हमने कुछ अब उतारना शुरू हुए हैं, यानी कर्जा हमारे ऊपर इतना, तो उन्होंने जो मतलब उसका अल्टरनेटिव नौकरी जरूरी तो नहीं है भी आपने एक नौकरी ही करनी है, मालिक बने, ठीक है। यंग जनरेशन को मालिक बना रहे हैं वो अपने अपने कारोबार का, मतलब कह रहे हैं कि आप पीडीए की हुकूमत जो है वो आवाम की सोच जो है वो चेंज करना चाह रही है। हाँ जी, आपको मुलाजम नहीं बनाने चाह रही बल्कि आपको वो उस हद तक लेके जा रही है कि आप खुद जो है मुलाजम हायर करें अपने काम, उसको आप मतलब ये कि देख लें रोजगार, तो भाई बेसिक मकसद तो रोजगार मुहैया करना है, तो जो जिस तरह जी जैसे आपने बात की कि हमारा मीडिया जो है वो नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाता है तो पॉजिटिव कम दिखाता है, तो यहाँ पे एक और चीज मैं गौर करता हूँ जो पीटीआई की हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी के हवाले से, इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया है कि खिदमत आपकी तहरीज तक, उसमें यह कि आपके इलाके में कोई गंदगी है तो वो आप या मतलब आपका कोई रोड टूटा हुआ है, कोई स्ट्रीट लाइट्स का आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप फौरन से पहले उसकी तस्वीरें बनाएं, तस्वीरें बना के उस पर अपलोड करके लोकेशन दे दें, ठीक है। फौरन से पहले उस पर एक्शन होता है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखिए ब्रदर, आपने बहुत अच्छी बात की है, खुद ही आपके सवाल में इसका जवाब है जी, क्योंकि एक तो वो देखिए ना वो पिछली और फौरन उस पर अमल होता है जी जी, ये कंप्लेंट सेल बकायदा जो है हम बन गए हैं, सीएम कंप्लेंट सेल है जी जी, हमसे कंप्लेंट सेल है, हर महकमे का अपना जो है वो कंप्लेंट सेल है, उसकी बकायदा जो कुछ कुछ होती है, ठीक है। वो पीछे जाती हैं, वो हेड तलका दारा के हेड से पूछते हैं ये काम है हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, सारे उनसे जवाब होते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं गवर्नमेंट की, देखें ना हम अपोजिशन का काम है तनकीद करना, वो करे ठीक है, लेकिन वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इसलाह भी करें जी। लेकिन जब भी कोई किसी भी जो है ना वो मुल्क ने तरक्की करनी है ना, किसी भी गाड़ी में आगे चलना है, तो वो एक तरफ से एक धक्का लगा रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा लगा रहा है, गाड़ी वहीं पर खड़ी है, अपोजिशन जो है वो तनकीद करी जा रही है वो गवर्नमेंट, हमें जो है वो मिल के साथ चलना पड़ेगा जी, ठीक है ना। आप तनकीद करें, तनकीद पर इसलाह करें, गवर्नमेंट को आप कंसल्टेंसी मशवरे दें और साथ फिर चलें उनके। अपोजिशन का मकसद ये नहीं होता भी आप दुश्मन हैं, अपोजिशन ठीक है वो जो वीकनेसेस होती हैं उनको पॉइंट आउट करती है, ठीक है, वो पॉइंट आउट भी करें और फिर गवर्नमेंट के साथ मिलकर। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी बात यह है ना, हम ये नहीं कहते भी हम एक दूसरे की लातें खींचना शुरू करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, मिलकर तो चलते नहीं है, ठीक है। कभी ये जो अपोजिशन वाले थे ये गवर्नमेंट में थे जी, ठीक है ना, तो मिलके चलेंगे तो मामला हल होगा। तो इसके अलावा मेरे ख्याल में हमारा जो है ना वो ये आती है कौमें जो है वो जब यूनिटी में आती हैं तो फिर ही वो तरक्की करती हैं बड़ी। अभी देख रहे हैं हमारी बरामदात में इजाफा हुआ है जी, ठीक है, अच्छा वाला हुआ है, स्टॉक मार्केट में जो है